भारत में जो लिखित प्रमाण मिले हैं अब तक वो ये बताते हैं कि 10वीं शताब्दी से स्टील बनता है इस देश में। आज से लगभग 1000 साल पहले से स्टील बनता है और स्टील की क्वालिटी इतनी जबरदस्त थी हमारे देश में कि उस स्टील में जंग नहीं लगता। एक अंग्रेज बड़ा स्कॉलर हुआ जे कैंपवेल, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी भी था स्कॉलर भी था। उसने लिखा है कि हम भारत का स्टील खरीद के जहाज बनाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के। क्यों? क्योंकि इतना अच्छा स्टील कोई नहीं बनाता जो भारत में बनता है। और वो कहता है कि भारत का जहाज, जब हम भारत के स्टील से जब जहाज बनाते हैं तो कम से कम 100 साल चलता है वो जहाज। 70 साल तो हम चलाते हैं उस जहाज को पानी में और 30 साल उसको बेच देते हैं तो दूसरा देश चला लेता है। 100 साल वो जहाज पानी में घूमता है लेकिन उसमें जंग नहीं लगता। इस क्वालिटी का स्टील भारत में बनता है। पानी में घूमे जहाज और जंग ना लगे। वो कहता है भारत का जो आयरन ओर है इतनी अच्छी क्वालिटी का है और भारत के लोगों की जो अकल है उस आयरन ओर से स्टील बनाने वाली वो दुनिया में बेजोड़ है, किसी के पास इतनी अकल नहीं। जे कैंपवेल ने बहुत विस्तार से लिखा स्टील प्रोडक्शन पे। वो कहता है भारत में स्टील बनाने के लिए भट्टियां बनती हैं, ब्लास्ट फर्नेस। वो कहता है कि इन ब्लास्ट फर्नेस में 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तो ऐसे ही पैदा कर लेते हैं भारतवासी, इनकी अकल इतनी ऊंची है। 1500 डिग्री का टेम्परेचर पैदा करना मजाक बात नहीं है, वो भी बिना बिजली के, बिजली नहीं थी उस समय। तो हम क्या जलाते थे? हम जलाते थे लकड़ी, और कुछ खास तरह की लकड़ी को खास तरह के केमिकल से मिलाकर जलाते थे तब इतना टेम्परेचर होता है। लकड़ी में सामान्य रूप से 700-800 डिग्री तक टेम्परेचर आता है लेकिन हम 1500 तक डिग्री का टेम्परेचर पैदा करते थे तभी लोहा गलता है, इससे कम पे लोहा पिघलता नहीं। तो इस क्वालिटी का स्टील बनाते थे, सारी दुनिया में बिकता था ये स्टील, और हम लोहा बेच के फिर सोना कमाते थे।